स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक डायग्राम ऑलरेडी गिवन होगी, उसमें वो कहते हैं एक प्लेन है जो कि लैंडिंग कर रहा है। तो आपने बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना है और इसे क्या हमने इसमें फाइंड करना है, वो देखते हैं। ये हमारा एक प्लेन है। तो प्लेन स्टूडेंट जैसे भी होता है, जब भी लैंड करता है इस तरह से लैंड करता है। तो ये हमारा प्लेन ये लैंड कर रहा है एयरपोर्ट की तरफ, और इसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, और इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से वो है 300 मीटर। ये हमारी डायग्राम है सिंपल सी जिसमें हमें गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो हम कहते हैं जी ये क्वेश्चन नंबर 7, लेट एक्स इज द डिस्टेंस विच ट्रेवल बाय विच ट्रेवल टू लैंड द एयरपोर्ट टू लैंड एट एयरपोर्ट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बेस, या सी बी कुछ भी आप सी बी कर ले, सी बी प्लस ए सी या सी ए कर लें या ए सी कर लें। ये है, ये हमारे पास आ गया पर हाइपोटेनियस बेस प्लस परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू क्या एक्स जो कि हमने फाइंड करनी है, और सी बी हमारे पास क्या है 500 मीटर उसकी वैल्यू पुट की, और ए सी क्या हमारे पास 300। इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2500 प्लस 9। इसको हम अब इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, 25 में से 9 माइनस करें तो 34 आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर। अब इसका हमने क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो जब अंडर रूट लेंगे तो 35 4 का आप लहदा से लिख लें, और ये क्या है जी 1000। इसको हमने लहदा से लिख लिया 10000, इसको हमने अलहदा से लिख लिया। अब इसका जब अंडर रूट आएगा तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका अंडर रूट, और इसके अंडर रूट को अब हम लिखेंगे इस तरह 10√34 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन के हमारे पास ये डायग्राम है, एक प्लेन है जो कि लैंडिंग कर रहा है। तो ए बेस से इसका जो डिस्टेंस है, बेस पे इसका ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, और जो हाइट है इसकी वो 300 मीटर है अबव फ्रॉम ग्राउंड से। ये हमने कहा जी लेट एक्स इज द डिस्टेंस विच ट्रेवल टू द लैंड एट द एयरपोर्ट से पैथागोरस थ्योरम ने लगाया। ए बी हमारा हाइपोटेनियस, बी सी हमारी बेस, ए सी क्या हमारा परपेंडिकुलर, इन तीनों की वैल्यू पुट की 2,50,000 आ गया हमारे पास, और ये इसका स्केयर लिया तो 90,000 आ गया, दोनों को प्लस किया 3,40,000 आ गया। एंड उसके बाद इसका हमने अंडर रूट लिया 34 एंड 10,000 लहदा हो गया, 10,000 का अंडर रूट 34 आ गया, 34 का अंडर रूट वैसे का वैसे ही रहा, और इसका हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहते हैं कि एक लैडर है। तो लैडर किसको कहते हैं, सीढ़ी को कहते हैं, वो एक दीवार के साथ है। तो आप ये बताएं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका डिस्टेंस सॉल्व करना है हमने, वो देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में, अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। ये डायग्राम है, ये क्या है, एक लैडर है, ठीक है, एक सीढ़ी है जो के अगेंस्ट है, अगेंस्ट किसी चीज़ के मुहालफ होना या उल्ट होना ये लैडर है। ये कहते हैं 17 जो सेंटीमीटर है, 17 मीटर जो है वो अगेंस्ट है किस से, वॉल से। तो वॉल क्या होती है, पर्चा परपेंडिकुलर होती है, इस वॉल से ये अगेंस्ट आ गई। और नेक्स्ट वो कहते हैं जो फुट ऑफ द लैडर, ये फुट जो होता है वो बेस होते हैं, जो फुट ऑफ द लैडर है वो 8 मीटर अवे है फ्रॉम द बेस से। तो क्या फाइंड करें, आप इसकी हाइट फाइंड करें कि हाइट ऑफ द वॉल लैडर रीच, इसकी आपने हाइट जो है ये हाइट फाइंड करनी है। लैडर है जो अगेंस्ट द वॉल है वो 17 मीटर आ गई हमारा हाइपोटेनियस, बेस जो है वो 8 और हाइट एच आपने फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7,
पैथागोरस थ्योरम, लिख लेंगे दी पहले आप ये लिख लेंगे, लेट h इज दी हाइट अवे फ्रॉम दी बेस, और उसका पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो पैथागोरस थ्योरम आएगा a b का स्क्वायर इज इक्वल टू b c का स्क्वायर प्लस a c का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास b a b की वैल्यू है 17, b c की है 8 और a c की वैल्यू है 8, ये आ जाएगा 289, 64 एज का स्क्वायर, 289 माइनस 64 एज का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 225 एज का स्क्वायर। इनका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा h इज इक्वल टू 15 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका है लास्ट पार्ट, और लास्ट क्वेश्चन में है इसमें कि उसने एक डायग्राम हमें दी हुई है, पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमें एक डायग्राम दी हुई है, जो कि डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दी है। उसमें कहते हैं अ स्टूडेंट ट्रेवल टू हिज हाउस बाय द रूट, स्टूडेंट है जिसने के स्कूल जाना है, उसका रूट क्या है, स्कूल जाना है, तो जाहिर है उस घर से निकलेगा और किस तरफ जाएगा, स्कूल की तरफ जाएगा। तो वो कहते हैं जो फाइंड ए डी, ये फाइंड आपने क्या करना है, ए डी ये फाइंड करना है, द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पर वो कहता है कि आपने ए से लेकर डी तक डिस्टेंस फाइंड करना है, ये इसका डायरेक्ट डिस्टेंस है कि वो किस तरह जाए, जबकि स्टूडेंट जा कैसे रहा है, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, बी से सी और सी से डी की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के रूट से होता है स्कूल जा रहा है। वो कहता है ये नहीं, आप डायरेक्ट डिस्टेंस बताएं कि ए से डी तक अगर वो डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाए उसका, तो वो कैसे स्कूल जाएगा। तो डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए क्या होगा जी, वो ये डायग्राम हम देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ये हाउस है, ये स्कूल है, ये उसका बस स्टॉप है, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। तो इसका डायरेक्ट डिस्टेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर इस डायग्राम को हम इस तरह से एक्सपेंड करें और एक रेक्टेंगुलर की शेप दे दें, ये रेक्टेंगुलर की शेप जहाँ पर ये बन जाए ये, तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये बी और सी जो है वो 6 किलोमीटर हैं, तो ये ए और ई ये कितने होंगे, ये भी 6 किलोमीटर होंगे। अगर ए बी जो है वो 2 किलोमीटर है, तो ई और सी भी कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा। अब अगर ये हम ए, हमारे पास बी सी और ए ई है और ए बी और ई सी है, ये एक रेक्टेंगुलर की शेप बन गई है जिसमें हम बोला कि ये पैरेलल पैरेलल और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल का डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ से अगर हम ये इसका डायरेक्ट डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर ये इसका डायरेक्ट डिस्टेंस जो कि हमने फाइंड करना है, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, जहाँ से हम इसकी क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसके लिए लिखते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या है, ए डी, ये हमारा क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस, ए ई क्या आ रहा है हमारा बेस, और ई डी हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। ए डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए ई हमारे पास कितना है, 6, और ई डी में हमारे पास ई से लेके सी तक 2 किलोमीटर है और सी से लेके डी तक 3 किलोमीटर है, तो ये दोनों वैल्यू इधर ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, जब ओपन करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 61 ए डी का स्क्वायर। जब इसका अंडर रूट लेंगे ए डी का,
और अंडर रूट लेंगे ये टू अंडर रूट से कट जाएगा तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 61। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया, ये हमने फाइंड करना था। अगर आप इसके यहाँ पे शुरू में लिखना चाहें लिखने लेट द डिस्टेंस ऑफ ए डी एक्स, इसको बेशक एक्स का नाम दे दें ए डी को, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस लेट द डिस्टेंस ए डी। अगर सिंपल ये भी लिखना चाहें तो हम ये भी लिख लेंगे यहाँ पर, और इसका पैथागोरस थ्योरम लगा के हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो चैप्टर है इसका यहाँ पर एंड हो जाता है, आगे इसकी आ जाती है रिव्यू। तो रिव्यू में सो कोई ऐसा इसका क्वेश्चन नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो, जस्ट एक क्वेश्चन है जो अंडर रूट में आ रहा है, तो अंडर रूट तो आपको कैंसिल करना आता है, बाकी सब इसके रिव्यू में भी सिंपल से क्वेश्चन है।